पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन ये है कि आप सिर्फ एग्जाम विंडो को ही ओपन करके रखें और उसी में काम करें, अदरवाइज प्रॉक्टर कैन लॉक योर एग्जाम। तो चलिए आज फिर कुछ। सर हाँ बोलिए। सर उसमें ये तो पता नहीं चल रहा था कि ये सिंगल ऑब्जेक्टिव वाला है या फिर मल्टी ऑब्जेक्टिव वाला है, मतलब एक से ज्यादा आंसर है। देखो रेडियो बटन, यदि रेडियो बटन होगा ना सर्किल में, दो दो तरह के बटन होते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर स्टाइल के होते हैं और एक होते हैं सर्कुलर स्टाइल के। ठीक है सर। तो जो सर्कुलर स्टाइल वाले होते हैं उनको रेडियो बटन बोला जाता है, और जो वैसे होते हैं रेक्टेंगुलर वाले उन्हें चेक बॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो यदि आपको रेडियो बटन दिखाई पड़े ABCD ऑप्शन में तो समझ जाइए कि ऑब्जेक्टिव है, और यदि चेक बॉक्स दिखाई पड़े तो समझ जाइए कि मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, वैसे एक्चुअल एग्जाम में ये भी वहां पे लिखा रहता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस और शॉर्ट आंसर, ये तीनों चीजें वहां पे लिखी रहती हैं, है ना। ये ना भी यदि बाई चांस किसी क्वेश्चन में ना हो तो आप रेडियो बटन और चेकबॉक्स की सेप से ये पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन किस नेचर का है। ओके okay? वर्ड लिमिट 230 है, तो मेन एग्जाम में भी इतनी रहेगी क्या? हाँ, शॉर्ट आंसर का जो लिमिट है वो 200 वर्ड्स है ना। 200 वर्ड्स से यदि आपका ज्यादा आंसर आ रहा है तो आप उसको थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट बातों को उसमें लिखिए और वैसी बातों को आप हटा दीजिए। 200 शब्दों में ही आप अपनी बात कहने की कोशिश कीजिए शॉर्ट आंसर के फॉर्म। आई थिंक कौशल यादव है जॉइंट। यस सर। आपका फेस अप्रूवल तो हो गया था कल, हमने कर दिया था तुरंत ही आपका फोन आने के बाद। यस सर। क्या आप मॉक एग्जाम ज्वाइन कर पाए थे? यस सर, कर पाया था। चलिए, तो नाउ आई एम शेयरिंग यू ए वर्ड फाइल इन विच 4 to 5 अदर क्वेश्चंस आर देयर। यस, the word file visible to all of you? Yes sir. Yes sir. Okay, so I am just coming to the questions, and these questions we have revised, so I am just forwarding these questions, and we have simulated the demand also in the previous class. So in the today's class the first question is, name at least 6 areas of application in which simulation system simulation can be employed, है ना। तो एरियाज ऑफ सिमुलेशन बताइए, कौन कौन से एरिया में सिमुलेशन का यूज होता है। लॉट ऑफ एरियाज आर देयर, सो वन इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना, सिमुलेशंस आर यूज्ड इन मिलिट्री, इन हेल्थ केयर सेक्टर, इन द ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, इन द एनवायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, दीज आर फ्यू ऑफ देम, है ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ऑल्सो देयर, सिमुलेशन यूज इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्यूइंग मैनेजमेंट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स फॉर हैंडलिंग द अनसर्टेनिटीज, सो मेनी थिंग्स यू कैन से फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर द न्यूमेरिक इंटीग्रेशन, है ना, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एरिया ऑफ द इररेगुलर फिगर, सो मेनी एग्जाम्पल्स आर दे। तो यहाँ आपको सेक्टर्स बताने हैं थोड़ा ब्रॉड लेवल पर, 6 areas of application in which system simulation is used. So these are few of them. You can also have others names also in this area. So now this question. So a man had 3 dice in his pocket. One is a fair die. You know, fair die means 1, 2, 3, 4, 5, 6. You know, 6 surfaces. You know, each surface is having. On one surface it is 1, second surface 2, third surface 3, it is a fair dice. One is a die with force on all the sides. Dusra die kaisa hai? Jisme har surface par 4 likha hua hai. Theek hai? Have force on all the sides. And one die is with 4 force. Teesra die aisa hai jisme 4 4 hai, 1 5 hai aur 1 6 hai. Yani ki 4 surfaces pe 4 hai. On one surface it is 5 and the last surface is 6. Clear ho gaya? There are 3 dice. One is fair, one is having all 4 fours, and one is having
one is having all four, है ना? Second one is having all the surfaces of four. The man selects one of these dices with probability 1/2, 1/6, and 1/3 respectively. It is the probability of selecting the dice, है ना? तीनों dice में से आप कौन सा dice select करेंगे? So that probability is given 1/2 for the first dice, 1/6 for the second dice, and 1/3 for the third dice. Clear? Question यहाँ तक clear है, कोई doubt तो नहीं है? There are three dices, है ना? उनमें से एक dice fair है, बाकी दो dice जो है वो unfair है. बाकी two dices are unfair. So one is a fair dice, other two are unfair. So there are basically three dices in this question. ठीक है, first dice है ना, उसको हम ले लेते हैं F, second dice for S, third dice for T. ठीक है, so there is a selection of the dices in this question. First there is a selection of dices. आपको एक dice select करना है. तो मान लीजिए आप first dice select करते हैं, तीनों में से एक first select करते हैं, तो इसकी probability क्या होगी? Yes, anyone? Out of these three dices, you select one dice. तो first के select होने की क्या probability है? So 1/2 है. 1/2. हाँ, it is given in question. It is given in question. Suppose it is not given in question. तब उस case में आप इसे कैसे calculate करेंगे? You will calculate 1/3. है ना? There are three possible outcomes and you are selecting first. So probability is given by 1/3. है ना? If selection is equally likely. Selection is equally likely. When the selection is not equally likely, then the probability will be different. For the first dice is 1/2, second dice is 1/6, and third dice is 1/3. So for first dice, it is 1/2. For the second dice, it is 1/6. And for the third dice, it is 1/3. And then rolls that die. There is a selection of the dice. It is the first event. Then dices are rolled. Then the selected dice is rolled. The selected dice is rolled. This is the second event. First event, second event. Use the law of total probability to determine the probability of the rolling a four. ठीक है, आपको टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करना है. सो व्हाट इज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी? एनीवन, व्हाट इज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बताइए. भूल गए? याद है, पढ़ा है हमने ये सब. तो टोटल प्रोबेबिलिटी का लॉ बताइए क्या है. सो सपोज देयर इज एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, मान लीजिए दिस इज अ होल स्पेस. So whole space is divided into three part. So let I am dividing it into three parts. So let this is the first part. Correct? And let this is the second part. So this is the first part, this is the second part, and this is the third part. So first part represents the first dice. Second part represents the second dice. Third part represent the third dice, FST, correct? FST, right? So when there is a selection of dice, so this part is representing first dice, that the first dice is selected. Okay, and this part is representing the second dice is selected, and this is representing the, this part is representing the third dice. Whole space is covered. There is no other dice except from these three. ना, इन तीन से हटके कोई dice नहीं है. Now, then after selecting the one, then you have to roll it. So for rolling, so let the first dice is selected, then you will get four. So this is the portion in which four can be found. If the second dice is selected, then this is the portion in which four can be found. Imagine all the things.
एंड दिस इज द पोर्शन फॉर द थर्ड डाइस इन विच फोर कैन बी फाउंड राइट. सो द एरिया इन ग्रीन कलर, एरिया इन ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स द एरिया फॉर रोलिंग द फोर. है ना, आपकी इवेंट क्या है कि फोर रोल हो जाए. यदि फर्स्ट डाइस सेलेक्ट हुआ सो दिस इज द एरिया, इफ सेकेंड डाइस इज सेलेक्टेड दिस इज द एरिया, थर्ड डाइस इज सेलेक्टेड दिस इज द एरिया. है ना, दिस थ्री एरियाज आर फॉर रोलिंग द फोर. फर्स्ट डाइस ऑल्सो हैविंग फोर, इट इज ए फेयर डाइस. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर इन द फर्स्ट डाइस, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर, probability of getting 4 in the first dice kya hogi bataiye, because it is a fair dice so probability of getting 4 is 1/6. bhai dice mein kya hota hai, sample space 1 2 3 4 5 6, it is a fair dice so only the favorable outcome is 1, so favorable outcome divided by total outcome, so it is the probability of getting 4 in the first dice. In the first dice, so probability of getting 4 when it is a first dice, so 4/F. So I am writing P4/F, probability of getting 4 when first dice is selected. So this value is 1/6. Similarly, probability of getting 4 when the second dice is selected. So what is the sample space for the second dice? Anyone? What is the sample space for the second dice? So sample space for the second dice is 4, 4, 4, 4, 4, and 4. ये समझ में आ रहा है? देखिए क्या लिखा हुआ है. The second dice is with all fours on all sides. उसमें हर साइड पर 4, 4, 4 है. So this is the sample space. So what is the probability for getting 4 if the second dice is selected? So this is 1. है ना, 6/6, सो इट इज 1. तो सेकंड डाइस के लिए मैं आप फिगर में चेंज कर सकता हूं, टोटल एरिया ही 4 का है. सो दिस इज माय ग्रीन पोर्शन, है ना, सेकंड डाइस में टोटल एरिया ही 4 के लिए है. सो दिस इज माय ग्रीन पोर्शन. ठीक है, वो तो मैंने वैसे समझाया कि कुछ पोर्शन 4 का होगा, लेकिन यहां तो डाइस पर 4 के अलावा कुछ है ही नहीं. देन ऑल द एरिया विल बी गिवन बाय ग्रीन कलर. ठीक है, 6/6. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 व्हेन द थर्ड साइड थर्ड डाइस इज कलेक्टेड. सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द थर्ड डाइस? एनीवन? 4 4 4 4, देन 5, देन 6. दिस इज द सैंपल स्पेस फॉर द थर्ड डाइस. क्योंकि देखिए व्हाट इज रिटन ओवर हियर, with 4 fours and a 5 and a 6. So I think this sample space is clear to you. हाँ जी, response दीजिए. Is this is clear to you? Yes sir. Yes sir. Good. Yes sir. Good. So this is the sample space. Now probability of getting 4 when the third dice is selected. So how many favorable outcomes? 1, 2, 3, and 4. So 4 favorable outcomes and total outcomes is 6. So the probability is 2/3. Okay. So by the law of total probability, अब आपको use करना है law of total probability. So total probability में आपको क्या चाहिए? You want that 4 is rolled, है ना? 4 is rolled. So it is given by 4 is rolled given first dice is selected multiplied by probability of first dice selection. ध्यान से देखिएगा, probability of 4 is given by probability of 4 when the first dice is selected multiplied by selection probability of selection of the first dice plus probability of 4 when the second dice is selected multiplied by probability of selection of the second dice plus probability of getting 4 when the third dice is selected multiplied by probability of getting the third dice. ये है law of fundamental probability. ये जो मैंने formula लिखा हुआ है, ये formula
कहां से मिला है? बाय लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, हमने प्रूफ भी किया था जब हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी को इनिशियल क्लासेस में. सो वी हैव प्रूव्ड दिस फॉर्मूला. ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रख देते हैं. सो लेट इक्वल टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 व्हेन द फर्स्ट डाइस इज सिलेक्टेड, हाउ मच, इट इज 1/6 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट डाइस. तो फर्स्ट डाइस के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय माइक ऑफ कर लीजिए. प्लस probability of getting 4 when the second dice is selected. So this probability is 1. So I will use 1 over here multiplied by probability of selection of the second dice. It is 1/6 plus probability of getting 4 when the third dice is selected. It is 2/3. So I will write 2/3 over here into probability of getting the third dice. It is given in the question 1/3. So I will use 1/3. Correct. Now solve it. So it is 1/12 plus 1/6 plus 2/9. So what is the LCM over here? The LCM of 12, 6 and 9 is 36. So 12, 3 are 36, it is 3. 6, 6 are 36, it is 6. 9, 4 are 36, it is 8. 8 plus 6, 14 plus 3, 17. So it is 17/36. You are getting equal to 17/36. So this is the final answer. What answer is given? Check it. The answer is given 0.4722. Divide karke dekhiye jara 17/36. Kya itna aa raha hai? Yes, sir. Yes, it is coming. 0.4722. Right. So, question is simple. Just you have to understand what is given, what is the sample space in each case. There is a different sample space in each case. For the first dice, the sample space is 1, 2, 3, 4, 5, 6. For the second, it is 4, 4, 4, 4, 4, 6 times. For the third, it is 4, 4 times and 5 and 6. So, according to that, the probability of 4 getting 4 or depending upon the selection of the dices are different. Accordingly, we apply the law of total probability. P4 equal to P4 oblique F into PF plus P4 oblique S into PS plus P4 oblique T into PT. Okay, so what is PT? Main jisse puchu wo batayega. What is PT? Vijay Kaushal bataiye. Kaushal Yadav. What is PT? Probability of selection of third dice. Yes, very good. PT means probability of selection of the that the third dice is selected. Very third dice. Good. Very good. So this question is complete from my side. If you have any query in this question, please ask. Otherwise, I will move towards the next question. Okay, so I am just clearing the ink over here. Now I'm moving to the second question. Yes, read the question first. Is the question visible? Let X be a continuous random variable. X be a continuous random variable. ठीक है, दो तरह के variable होते हैं, एक continuous, एक discrete. ठीक है, continuous random variable means it can take any value between the given period. है ना, suppose let the given period is 3 to 5. So x means x is a continuous variable, then it can take any value between 3 to 5. It can take any value. Hai na? So 3 to 5 ke beech mein bahut sari value hongi. Hai na? 3 to 5 ke beech mein 3.5 bhi hoga, 3.1 bhi hoga, 3.2 bhi hoga. Bahut sari values hongi. Hai na? So that's why x, if the x can take any value, then it is a continuous variable. Then it is a continuous variable. So let X is a continuous variable between the period 3 to 5, then what is the probability of getting 4? Kaun batayega? Kaushal Yadav, bataiye. 4 ki probability kya hogi? Sir, 1/3. 1/3.
और सोचिए जरा, अंकुर चौहान बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर? सर एक मिनट सर, कैलकुलेट करिए और और बताइए क्या बोलते हैं, आकाश खटवानी बताएं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर? एक मिनट। सागर शर्मा बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फोर? इफ एक्स इज ए कंटिन्यूस वेरिएबल बिटवीन 3 to 5 then what is the probability of getting 4? 2/3 sir. How much? 2/3. 2/3 है ना, तो कई सारे आंसर आ रहे हैं, किसी का 2/3 आ रहा है और आपने क्या बताया था विजय कौशल, आपने क्या बताया था? 1/3 आपने 1/3 बताया था विजय कौशल, 2/3 और सर हाँ यस यस प्रत्युष गर्ग बताइए सर अप्रोक्सीमेटली 0 होगा ना? Yes, this is the right answer. This is the right answer, है ना? बहुत ध्यान से समझिए, ये चीज हम कईयों बार डिस्कस कर चुके हैं। देखो कंटिन्यूस वेरिएबल के केस में 3 से लेके 5 के बीच में है ना कितनी सारी आउटपुट्स हैं, कितनी सारी वैल्यूज हैं, 3.01, 3.001, 3.002, मतलब आप इसको काउंट नहीं कर सकते, देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो बहुत बड़ा है, इसका जो सैंपल स्पेस है वो काउंट नहीं किया जा सकता, इट इज अनकाउंटेबल। और जब सैंपल स्पेस अनकाउंटेबल होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल का जो सैंपल स्पेस होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो उसमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी नगण्य होती है, यानी कि 0 होती है, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स एक है और सैंपल स्पेस इनफाइनाइट है, सो दैट्स वाई द प्रोबेबिलिटी इज 0, है ना, हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 इन द ऑफ द कंटिन्यूस वेरिएबल चेंजिंग बिटवीन 3 to 5 इज 0। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके लिए, मान लीजिए अब एक सैंपल स्पेस है जो 3 से 3.5 के बीच बदल रहा है, ठीक है, अब इन 3 और 3.5 के बीच में एक वैल्यू होगी 3.2, तो इस 3.2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? विजय कौशल बताएंगे क्या होगी? अंकुर चौहान बताए, 0 ही होगी। 0 ही होगी, वेरी गुड, यही तो समझना है, यही तो इसमें भी बहुत सारे, हाँ इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, 3 से 3.5 के बीच में इनफाइनाइट ऑप्शन है ना, तो किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ठीक है, अब फिर से देखिए एक और एग्जांपल। अब आपके पास एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है, एक्स मान लीजिए कंटिन्यूस वेरिएबल है और उसका सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 के बीच में वेरी कर रहा है, 1 से लेके 6 के बीच में वेरी कर रहा है और ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो 5 के सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सागर शर्मा बताइए, x एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, उसका सैंपल स्पेस 1 से 6 के बीच में वेरी कर रहा है, तो इस 1 और 6 के बीच में कहीं 5 आएगा, तो 5 के सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सागर शर्मा सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए कोई और बताइए, प्रत्युष आप बताइए। सर ये भी इनफिनिटी होगी क्योंकि कंटिन्यूअस है ना। हाँ, सो प्रोबेबिलिटी विल बी सर प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा 0। अगेन इट विल बी 0, अगेन इट विल बी 0, है ना। नाउ आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल, है ना, बात समझ में आ जाएगी आपको। तो जरा सा फिर से देखिए, एक सैंपल एक वेरिएबल है, अब इसका जो ये डिस्क्रीट है, अब ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये डिस्क्रीट है और ये 1 से लेके 6 के बीच में ही वेरी कर रहा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, ठीक है, लेकिन इसके आउटकम डिस्क्रीट हैं, डिस्क्रीट का मतलब जिनको आप काउंट कर सकते हैं, है ना। तो मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.1, 5.2, 6,
ये मैंने आपको सैंपल स्पेस दे दिया डिस्क्रीट वेरी, अब ये डिस्क्रीट है तो या तो आउटपुट इसका 1 आएगा या 1.5 आएगा, 1 और 1.5 के बीच में कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब ये डिस्क्रीट है। तो इस केस में 5 के सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सागर शर्मा बताइए। अब इस केस में 5 के सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो इस केस में क्या करेंगे आप, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम तो एक है, टोटल आउटकम कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो इट इज 1/10, सो द प्रोबेबिलिटी इज 1.1, सो द प्रोबेबिलिटी इज 10%। तो देखिए यहां पर तो 5 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 10% है डिस्क्रीट के केस में, है मिनिमम वैल्यू 1 है मैक्सिमम वैल्यू 6 है। यहां पर देखो मिनिमम वैल्यू 1 है मैक्सिमम वैल्यू 6 है, लेकिन यहां x कंटिन्यूअस वेरिएबल है इसलिए 5 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर 0 है। इस डिफरेंस को आप समझ लीजिए, कई जगह आपके काम में आएगा, कई जगह आपके काम में आएगा, है ना। ऐसे आंसर मत दीजिए कि 2/3 और 1/3। बी केयरफुल, बी डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूअस। सो हियर इन दिस क्वेश्चन, नाउ आई एम क्लियरिंग द इंक, सो इन दिस क्वेश्चन x इज ए कंटिन्यूअस वेरिएबल, दिमाग में आना चाहिए कि x की कंटिन्यूअस वेरिएबल है, मींस इट कैन टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन ए गिवन पीरियड। सो इफ CDF cumulative distribution function fx is given by 2x minus x square for the interval 0 to 1, 0 less than x less than 1। तो देखो 0 से 1 के बीच में ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है x, तो 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू आएगी 0.5, तो उस 0.5 के सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सागर शर्मा बताइए। In this case, आकाश शर्मा, आकाश खटवानी बताएं। Yes sir। हाँ कितनी होगी? 3.5। Zero। Zero, very good। बस यही तो समझना है। तो 0 से 1 के बीच में 0.5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी। अच्छा आप बताओ 0.1 के आने की क्या होगी? अगेन 0, वो भी 0 ही होगी। ठीक है, 1 के आने की क्या होगी? वो भी 0 होगी। 0 के आने की क्या होगी? वो भी 0 होगी। ठीक है, अब बताओ लेस देन इक्वल टू 0.5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? लेस देन इक्वल टू 0.5 मतलब 0.5 से कम या बराबर सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एनीवन बताइए आंसर, कोई बताइए। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 0.5 की तो 0 है, लेकिन 0.5 से कम या बराबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देखो आपका सैंपल स्पेस 0, 0.5, 1, ये आपका सैंपल स्पेस है। अब 0 से 0.5 के बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, 0.5 से 1 के बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज हैं। तो अब आपका आपका जो फेवरेबल पोर्शन है वो इतना पोर्शन फेवरेबल है, 1/2। यस, तो टोटल पोर्शन का 50% पोर्शन फेवरेबल है, दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी इज 1/2 और 0.5 और 50%। क्या समझ में आ गई? तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में किसी पर्टिकुलर वैल्यू के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, लेकिन हम लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलर केस में अब आप जरा बता दो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन इक्वल टू 0.3 क्या होगी? 1/2 नहीं, 40%। 0.3 देखो सैंपल केस, देखो 0 आएगा, 0 के बाद 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, फिर 0.3 आएगा, 0.4 ऐसे 1 आएगा लास्ट में। तो हमारा फेवरेबल पोर्शन ये है, दिस इज द फेवरेबल पोर्शन, सो दिस पोर्शन इज द 30% ऑफ द टोटल पोर्शन। टोटल पोर्शन का 30% फेवरेबल है, दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी इज 30%। फिर से एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन इक्वल टू 0.1 अंकुर चौहान बताइए क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 0.1 10% रहेगा ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, 10%।
ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0.2 20%, लेस देन इक्वल टू 0.25 25%, करेक्ट है, पी 0.25 25%, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 3, अब बताइए क्या होगी प्रोबेबिलिटी, लेस देन इक्वल टू 3, what will be the probability, it will be no. It will be zero. No, not, it will be 100%. Why zero? Less than equal to 3, आपका सैंपल स्पेस 0 से लेके 1 के बीच है और आप कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करूंगा रैंडमली तो वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, तो क्या वो 3 से कम होगी कि नहीं होगी, कुछ भी सेलेक्ट कर लो 3 से कम तो हमेशा होगी वो, यदि आपका 1 सेलेक्ट हुआ तो भी 3 से कम है, 0.9 सेलेक्ट हुआ तो भी 3 से कम है कि नहीं है, बताओ, कुछ भी ले लो 1 से 2 के बीच में सैंपल स्पेस है मान लीजिए आपका, या 0 से 1 के बीच में, आप कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करोगे तो वो 3 से कम नहीं होगी क्या, तो लेस देन इक्वल टू 3 का आंसर क्या आएगा, इट इज 100%, ऑल पोर्शन इज फेवरेबल, ऑल पोर्शन ऑफ द सैंपल स्पेस इज नाउ फेवरेबल एज पर द कंडीशन, सो द प्रोबेबिलिटी इज 100%। चलिए एक और बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इक्वल टू 9 क्या होगी, 100, इट इज आल्सो 100%, इट इज आल्सो 100%, ठीक है, अब बताइए प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 अब क्या होगी, 0, अब 0 होगी क्योंकि कोई भी वैल्यू जो लोगे वो 9 से बड़ी आएगी ही नहीं, सो दैट्स व्हाई फेवरेबल पोर्शन इज 0, सो दैट्स व्हाई द प्रोबेबिलिटी इज 0। देखो कितनी सारी एक्सरसाइज हो गई एक ही क्वेश्चन पे, बी केयरफुल, बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन्स रहते हैं, क्लियर, हाँ बोलिए, यस, मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है ना, इक्वल टू 9, हाँ तो 9 हमारे में है ही नहीं, 0.9 है ना वो, तो देखो हमारा सैंपल स्पेस 0 से लेके 1 के बीच वेरी कर रहा है, ठीक है, तो हमारी संख्या जो भी सेलेक्ट होगी वो 1 से कम ही सेलेक्ट होगी, और हम कह रहे हैं कि 9 से बड़ी संख्या सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 9 से बड़ी संख्या तो सेलेक्ट होगी ही नहीं, तो इसलिए 0% रहेगा, करेक्ट है, ठीक, ओके, सो नाउ आई एम अगेन क्लियरिंग द इंक, क्वेश्चन पे चलते हैं, सो लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद कम्युनिटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन fx h2x - x2, the values are given 0 less than x less than 1 and fx equal to 0 for all other values of x, है ना, otherwise, तो ये definition दी हुई है आपको कि fx की value 2x minus x square है इस interval में और बाकी किसी भी interval में इसकी value 0 है, ठीक है, for all other values of x, now find the expected value, आपको क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब होता है मीन, तो आपको मीन निकालना है ना, मीन निकालना है, तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन, बताओ मीन का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन, समेशन एक्स पी एक्स, ये होता है ना, लेकिन ये फॉर्मूला कब होता है, जब हमारा वेरिएबल डिस्क्रीट होता है, लेकिन यहां पर तो हमारा वेरिएबल कैसा है, कंटिन्यूस, तो हमारा फॉर्मूला यही रहेगा विथ इंटीग्रेशन साइन, समझ में आ गई बात, ये सिग्मा जो है, दिस सिग्मा विल चेंज इनटू द इंटीग्रेशन साइन फॉर द कंटिन्यूस वेरिएबल, सो आवर फॉर्मूला विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला रहता है एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए, करेक्ट, इतनी बात समझ में आ रही है, अब आपको ये निकालना है मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा 0.5, एक्स और 0.5 में जो भी मिनिमम हो उसके सेलेक्ट होने की क्या मीन वैल्यू है ना, उसकी मीन वैल्यू क्या है, ये निकालना है, ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान है, यहां से शुरू करता हूं, एक्सपेक्टेड वैल्यू मिनिमम ऑफ x कॉमा 0.5
इज गिवन बाय, यही तो निकालना है, तो मुझे इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो यूज करना ही पड़ेगा मुझे क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू है, तो इंटीग्रेशन करूंगा यूज। अब देखो 0.5 एक फिगर दे रखी है, तो मेरा इंटरवल क्या है 0 to 1, तो इस इंटरवल को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक इंटरवल होगा 0 to 0.5 और एक इंटरवल होगा 0.5 to 1। क्यों डिवाइड कर रहा हूं दो पार्ट में, इसलिए क्योंकि कंडीशन दी हुई है एक्स और 0.5 में जो मिनिमम हो, इसलिए इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट में लिखूंगा 0 to 0.5 और दूसरे पार्ट में जाएगा 0.5 to 1। तो पहले इस पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 to 0.5, तो देखो अब x तो चेंज हो रहा है 0 से 0.5 के बीच में, और एक दूसरी वैल्यू है 0.5, पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू 0.5 है, दोनों को कंपेयर करना है, तो दूसरी वैल्यू क्या है 0.5। तो इन दोनों में कौन मिनिमम है, x मिनिमम है या 0.5 मिनिमम है, बताओ। इस कंडीशन में x का मान तो बदल रहा है 0 से 0.5 के बीच में, तो x की वैल्यू तो 0.2 भी हो सकती है, 0.3 भी हो सकती है, तो 0.2 और 0.5 में कौन मिनिमम है, बताओ कौन मिनिमम है, 0.2 मिनिमम है या 0.5 मिनिमम है, जवाब दीजिए। 0.2 मिनिमम है मतलब x मिनिमम है, मान लीजिए 0.3 सेलेक्ट हुआ तो 0.3 मिनिमम है या 0.5 मिनिमम है, 0.3 मिनिमम है मतलब x मिनिमम है, तो इस पर्टिकुलर केस में मिनिमम वैल्यू x है, तो यहां पर x की जगह पर x लिखा जाएगा क्योंकि x और 0.5 में x मिनिमम है और हमें मिनिमम की मीन वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद में क्या आ जाएगा fx, है ना, x fx, ये px नहीं होता है, fx होता है। तो अब यहां fx कैसे निकालेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे, 2x का डिफरेंशिएशन 2, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो fx की वैल्यू हो गई 2 - 2x, तो ये हो जाएगा x into 2 - 2x, करेक्ट है, into dx, x fx dx, ठीक है, x fx, x की जगह x आ गया, प्लस अब दूसरा इंटरवल कहां से कहां चलेगा, 0.5 से 1, तो इसका मतलब x की वैल्यू 0.5 से 1 बदल रही है। अब क्वेश्चन देखिए दोबारा से, x तो बदल रहा है 0.5 से 1 और एक वैल्यू है 0.5, अब इन दोनों में कौन मिनिमम है, देखो मान लीजिए 0.6 सेलेक्ट हुआ तो 0.6 मिनिमम है या 0.5 मिनिमम है, बताओ 0.5 मिनिमम है। मान लीजिए 0.7 सेलेक्ट होता तो 0.7 मिनिमम है या 0.5 मिनिमम है, 0.5 मिनिमम है, तो यहां पर x की जगह पे 0.5 आएगा क्योंकि 0.5 ही मिनिमम है ऑलवेज, यहां ऑलवेज x मिनिमम है, यहां ऑलवेज 0.5 मिनिमम है फॉर दिस इंटरवल, और उसके बाद fx 2 - 2x वही रहेगा into dx, बन गई प्रॉब्लम, बस इसको सॉल्व करना है आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम को अपने आप फॉर्मुलेट करना जान लीजिए, कैसे जान करते हैं, टोटल इंटरवल को उस तरह से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद देख लीजिए किस इंटरवल में कौन मिनिमम है, तो फर्स्ट इंटरवल में x मिनिमम है और सेकंड इंटरवल में 0.5 मिनिमम है, बस अब तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में तो कोई बड़ी बात है नहीं, बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे, इक्वल टू, है ना, सॉल्व करिए, तो इट इज गिवन बाय इक्वल टू, कैसे सॉल्व करोगे, 2x, 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 2x स्क्वायर बाय 2, 2x इनटू x, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया 2x क्यूब बाय 3, इसकी लिमिट्स क्या हैं, 0 टू 0.5 प्लस, अब इसको देखो 0.5 इनटू 2 1, है ना, 1 माइनस एक्स हो गया, ये तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स 0.5 टू 1, सॉल्व करिए इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0.5 स्क्वायर यानी कि 0.25 माइनस 2/3 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मतलब 0.5 का क्यूब, 0.5 का क्यूब मतलब 0.125 -0 - 0, 0 से खत्म हो गया, प्लस 1 की लिमिट रखिए 1 - 1/2 माइनस
0.5 की लिमिट रखिए, 0.5 माइनस 0.5 स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व कर दीजिए, उठाइए कैलकुलेटर और आंसर बताइए। सागर शर्मा कैलकुलेटर चलाइए अपना और इसका आंसर बताइए कितना आता है, सॉल्व करके। सागर शर्मा रिस्पॉन्स दिया करिए, आई एम डूइंग, आर यू डूइंग? प्रत्युष आर यू डूइंग? अंकुर चौहान? यस सर। आप कर रहे हैं, कैलकुलेटर है आपके पास? सर कैलकुलेटर दिया है। हाँ करिए करिए, है ना, चलिए मैं भी कर लेता हूँ आपके साथ। ये आ जाएगा 0.25 माइनस 2 इंटू 0.125 डिवाइडेड बाई 3, ये मिल गया, प्लस 1 माइनस हाफ तो 0.5 ही हो जाएगा, इसको 0.5 कर देते हैं, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में 0.5 माइनस 0.25 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, सो दिस विल बी कमिंग 0.2916 आ रहा है मेरा, आपका कितना आ रहा है? 0.2916, चेक कर लीजिए आंसर, यस आंसर इज 0.2917, 0.29166 आ रहा है ना, 0.2916 आ रहा है, हाँ बिल्कुल यही यही आंसर इसमें दिया हुआ है, है ना, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 0.29166, यानी कि हो गया 0.2917, सो आंसर इज गिवन 0.2917। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? इस क्लास को मैं अब एंड कर रहा हूं यहीं पर, बिकॉज टाइम इज मच हायर, एक घंटा का होने वाला है ना, लंबी खिंच गई क्लास, चलिए कोई डाउट तो नहीं है, फिर मिलते हैं 10 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास में, ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।